एक्सप्लेनेशन ऑफ दिसोरी द गिज फ्रॉम हिज ओवर कोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल नाउ जिम टुक अ पैकेज आउट फ्रॉम हिज ओवर कोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपऑन द टेबल उसने अपने ओवर कोट की पॉकेट से गिफ्ट बाहर निकाला और उसको टेबल पर फेंका डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल ही सेड अबाउट मी आई डोंट थिंक देयर इज एनी थिंग इन द वे ऑफ अ हेयर कट और अ शेव और अ शैम्पू दैट कूड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस डोंट मेक मी रोंग डेल आ नथिंग कैन मेक मी लाइक यू एनी लेस ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो जो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम कर दे आई डोंट थिंक देर इज एनी थिंग इन द वे ऑफ अ हेयर कट चाहे वो हेयर कट हो या शेव हो या फिर शैम्पू हो जो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम कर सकता है सो प्लीज डोंट मेक डोंट मेक एनी मिस्टेक तो तुम मुझे गलत मत समझो बट इफ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट दैन जिम एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ हिज रिएक्शन अब जिम जो है अपने रिएक्शन का रीज़न डेला को एक्सप्लेन करता है ही सेज़ दैट इफ़ यू विल अनरैप दिस पैकेज दैट आई गेव यू देन यू विल अंडरस्टैंड वाई डिड इट अपसेट मी फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम अब वो कह रहे हैं डेला से जिम कहता है कि अगर तुम इस पैकेज को खोल कर देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि थोड़ी देर के लिए May upset kyu ho gaya tha, okay? White fingers and nimble toe at the string and paper, and then an ecstatic scream of joy, and then alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting power of the Lord of the flat.

एंड देन शी स्क्रीम्ड वु ची लाई विद ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा खुशी के साथ एक्सटेटिक्स क्रीम ऑफ जॉय बेहद खुशी के साथ वो चील चीखने जीक, लगी एंड देन अल्लास और फिर तभी अल्लास अ क्विक फेमनाइन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स देन सडनली हर इमोशंस चेंज्ड टू अनकंट्रोल्ड टीयर्स एंड क्राई हिस्टेरिकल दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड इमोशंस ओके वहाँ पर बहुत ही क्विक चेंज फेमनाइन चेंज देखने को मिला एकदम से खुशी जो थी वो गम में बदल गई विद हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेव्स यानी क्राई यानी कि जोर जोर से चिल्लाते हुए रोना दैट मीन्स वेव्स नेसेसिटेटिंग द इमीडिएट इम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कम्फर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट

पूरी पावर कंफर्टिंग पावर जो थी वो लॉर्ड ऑफ द फ्लैट की लग गई यानी कि उसको चुप कराना बहुत ही मुश्किल काम हो गया देयर ले द कॉम्स द सेट ऑफ कॉम्स क्योंकि जो गिफ्ट था वो क्या था कॉम्स कंघा होता है जिसे कॉम कहते हैं दी कॉम्स द सेट ऑफ कॉम्स ये एक पेयर था कॉम्स का side and back that della had worshipped for long in a broadway window. now she cried because the gift was the combs, the set of combs, this set of combs della had wished for a long, wished for long, long time that she saw in the window of a shop in a broadway. ब्रॉडवे में एक शॉप की विंडो में डेला ने इसे देखा था और वो बहुत तही दिल से उसे पाना चाहती थी ब्यूटिफुल कॉम्स प्योर टोटोई शेल एंड ज्वेल्ड रिम्स जस्ट द शेड टू वेयर इन द ब्यूटिफुल वैनिश्ड हेयर नाउ द कॉम्स वर वेरी प्रिटी वर वेरी ब्यूटिफुल वर मेड ऑफ प्योर टोटोई शेल कॉम जो थे वो बहुत खूबसूरत थे और वो जो थे वो प्योर टर्टल शेल से बने थे टर्टल शेल यानी कछुए की जो खाल होती है उससे बने थे एंड इट एंड इट्स रिम वर ज्वेल्ड और उसके जो किनारे थे वो ज्वेल्ड थे दैट मींस दे वर ऑर्नामेंटेड यानी कि उन पर बहुत खूबसूरत सजावट की गई थी जस्ट अ शेड टू वियर इन द ब्यूटीफुल वैनिश्ड हेयर and the the shade their color was just perfect match for Della's vanished hair vanished means जो कि अब बर्बाद हो चुके थे okay so their shade and their color was just perfect match for Della's vanished hair और उनका जो shade था वो Della के बर्बाद हो चुके बालों से बिल्कुल मेल खाता था They were really expensive combs. She knew, and her heart had simply craved, and yearned over them without the least hope of possession. The combs were really expensive. Della knew it. Della janti thi ki wo combs jo the wo bahut She wanted to have them. She knew, and her heart had simply craved. Wo thi usse paana and earned over. दैम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ पोजैशन वो उसे पाना जरूर चाहती थी पर उसे बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि वो उसे हासिल कर सकेगी ओके शी वॉन्टेड टू हैव दैम बट शी नेवर होप्ड शी नेवर ड्रीम्ड ऑफ देअर पोजैशन वो उसे पा सकेगी ऐसा उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हालांकि वो चाहती जरूर थी ऐसा एंड नाउ दे वर हर्स बट द ट्रेसिज दैट शुड हैव अ डोंट द कोविटेड ऑनमेंट्स व गॉन एंड ना हाउ द कॉम्स वर हर्स वो उसके थे बट द हेयर ड्रेसिस मीन्स हेयर बाल दैट शुड हैव एडोन्ट द कोवेटेड एडोनमेंट वर गॉन बट जो बाल उनकी और शोभा बढ़ाने वाले थे वो तो जा चुके थे द हेयर दैट शुड अडोन्ट द डिजायर्ड अडोनमेंट देर गॉन

लुक अप विद सैड आईज एंड अ स्माइल और कुछ देर के बाद उसने डिम आइज के साथ ऊपर की तरफ देखा और स्माइल किया एंड शी सैज सेज माई हेयर ग्रो सो फास्ट जिम मेरे बाल बहुत जल्दी भरते हैं जिम एंड देन डेला लिपड अप लाइक अ लिटिल सिंग कैट एंड क्राइड ओह देन शी दे अप लाइक लीप्ड अप कूदना या उछलना लाइक लिटिल सिंग्ड कैट सिंग्ड दैट मीन्स स्लाइटली बर्न यानी हल्का सा जल जाना एंड क्राइड वो ऐसी हालांकि हालाँकि डेला दिखा रही थी हालांकि वो पॉजिटिव चीज़ें बोल रही थी बट वो अंदर से बहुत दुखी थी कि उसकी जो चीज़ वो पाना चाहती थी वो उसके पास आ चुकी थी लेकिन उस अब उसकी यूज़ की वो नहीं रही थी क्योंकि वो अपने बाल जो थी वो कट करके उसे, उसे सेल कर चुकी थी राइट शी क्राइड ओह जिम हैड नॉट येट सीन हिज हिज प्रेजेंट नाउ इट टू सी प्रेजेंट अब जिम का जिम की बारी थी अपना प्रेजेंट को देखने की शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली ईगरली यानी उत्सुकता से अपॉन हर ओपम पाम पाम यानी हथेली उसने शी हेल्ड इट आउट टू हिम अपॉन हर ओपन पाम उसने अपनी हथेली पर रख के जिम की तरफ वो गिफ्ट बढ़ाया द द डल प्रीशियस टू फ्लैश विद रिफ्लेक्शन ऑफ अर ब्राइट एंड अर्डेंट स्पिरिट डल प्रीशियस प्लेटिनम दैट वॉज अ प्लेटिनम फोप राइट सो द डल एंड प्रीशियस प्लेटिनम जो डल दिखने वाला और बहुत ही कीमती मेटल uh, था प्लेटिनम दैट वॉज शाइनिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ डैलाज ब्राइट एंड ऑर्डल्ट स्पिरिट वो डैला की स्पिरिट जो ब्राइट uh, स्पिरिट थी उसके रिफ्लेक्शन से वो मेटल चमक रहा था दैट मीन्स डेला वॉज सो एक्साइटेड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जिम को वो प्रेजेंट देने के लिए ओके okay? कि उसकी चमक की वजह से वो डल प्लेटिनम भी चमक रहा था या फिर शाइन कर रहा था

डेला को रेस्पांस देने के बजाय उसकी आज्ञा का पालन करने के बजाय था सिर्फ काउच पर बैठ गया बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड एंड ही पुट हिज हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड अब उसने अपने हाथ जो थे वो अपने सिर के पीछे करते हुए ज, सिर्फ स्माइल किया डेल ही सैड उसने कहा डैला लेट्स पुट अवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप दैम अवाइल्ड डेला लेट्स जस्ट पुट अवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप दैम अवे फॉर अ वाइल्ड कि हमें कुछ देर के लिए अपने क्रिसमस गिफ्ट को जो है साइड में रख देना चाहिए दे आर टू नाइज टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं अभी यूज़ करने के लिए आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बायोर कॉम्स मैंने वॉच सो सेल कर दी है टू गेट द मनी पैसे के लिए ताकि मैं तुम्हारे लिए कॉम्स खरीद सकूँ एंड नाओ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन एंड नाउ आई थिंक यू शूड शुड जस्ट कुक द मीट चॉप्स ऑन द गैस और मुझे लगता है कि अब तुम्हें चॉप्स कुक कर लेने चाहिए The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men who brought gifts to the baby in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. Now, we know that Magi were very wise men. हु ब्रॉड गिफ्ट फॉर द बेबी क्राइस्ट हम जानते हैं कि महजाई जो थे वो बहुत वाइस थे जो क्राइस्ट के लिए उनके जन्म पर तोहफे लेकर आए थे तो द बेबी इन देंज मैंजर मीन्स इट इज अ कंटेनर फ्राम विच कैटल्स और होर्सेज फीड ऐसा कंटेनर होता है जहाँ से वो कैटल्स uh, या जो हॉर्सेज होते हैं वो खाना खाते हैं दैट इज कॉल्ड मैंजर ओके यहाँ जो मैंजर है वो जो भेड़ों के बाड़े में यूज होने वाला मैंजर है उसकी बात हो रही है क्योंकि क्राइस्ट का जन्म जो है वही हुआ था ओके? Okay? उसको क्राइस्ट को जो मैंजर में रखा गया था भेड़ के बाड़े में उनका जन्म हुआ था वही उन्हें रखा गया था सो दैट इज वाई बेबी इन द मेन्जर दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स तो मैजाई इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स उन्होंने जो क्रिसमस पर तोहफे दिए जाते हैं ये परंपरा मैजाई ने ही शुरू की थी बींग वाइज देर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस क्योंकि मैजॉय बहुत वाइज थे देर गिफ्ट वर नो डाउट देर गिफ्ट वर वेरी वाइज उनके गिफ्ट भी बहुत वाइज थे बहुत अच्छे थे

क्रॉनिकल्स मीन्स कहानी ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन इन अ फ्लैट हु मोस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइज फॉर इच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स ऑफ देयर हाउस एंड हियर नाउ एट ऑथर सीज ऑथर में क्या कह रहे हैं दैट हियर आई हैव लेमली टोल्ड यू मैंने बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से तुम्हें सुनाई है ये कहानी ऑफ टू फुलिश पर्सनस इन अ फ्लैट दो ऐसे फुलिश चिल्ड्रन जो कि एक फ्लैट में रह रहे हैं हु हुई फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स ऑफ देयर हाउस अपने सबसे अपने घर के सबसे कीमती तोहफों को एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर दिया राइट हु हुईज फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स ऑफ देयर हाउस बट इन द लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दिस डेज लेट इट बी सैड दैट ऑल हु गिव गिफ्ट these two were the wisest but in the end he wants to say to the wise of these days par wo wise logon se ye kehna jate hain that of all who give gifts jitne bhi log tohfe dete hain these two were the wisest ये सबसे अनमोल तोहफे थे और inko देने वाले ही सबसे wise थे of all who give and receive gifts such as they are Wisest. Everywhere they are wisest and they are the magi. So, of all who give and receive gifts, these two were the wisest. They are the wisest. Everywhere they are wisest. So, here ends the story. Thank you.